हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खबरी दिव्या। आप सबका स्वागत करती है बिग बॉस 15। जी हाँ, बिग बॉस 15 में टिकट फिनाले रेस की दौड़ जो है, मतलब वो होता ना कि पहले तो कछुए की चाल चल रहा था ये शो, और अब एकदम से भागने लगा है। जी हाँ, भागने लगा, और हर एक एपिसोड ऐसा है कि आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो एक जबरदस्त वाला एपिसोड हुआ जिसमें रश्मि और देवो को ये चैलेंज दिया गया था कि उन्हें चौप जो है एक पिलर से अपने आप को बांधे रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। और भैया लड़कियों ने जान लगा दिया है। जैसे करण और निशांत का गेम आपने देखा था, जबरदस्त वाला कंपटीशन हुआ था। मतलब भाई लड़कों ने अपनी पूरी वो लगा दी, लिटरली अब वो जान लगाने वाले टास्क आ रहे हैं, और अब मजा आ रहे लगा है, क्योंकि अब लोग जो है मतलब अपनी जान तक लगाने को तैयार है टिकट टू फिनाले रेस की टिकट पाने के लिए। और हमने देखा कि किस तरह से रश्मि और देवो ने वो जो पिलर था उसे छोड़ा नहीं। और आपको बता दूं कि 24 घंटे का रिकॉर्ड, 24 घंटे से भी ज्यादा का रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने। लेकिन उस टास्क की जो विनर थी वो थी रश्मि दिसार। उन्होंने टिकट टू फिनाले रेस जो है इस टास्क को जीत के अपने नाम कर लिया। लेकिन इसमें खूब टॉर्चर झेलना पड़ा है भैया दोनों को, रश्मि को भी और देवो को भी। तो उस वजह से दोनों लड़कियां जो है बहुत ज्यादा थक गई, और उमर जो है बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्वीटली जो है रश्मि का ध्यान देते हुए नजर आए। और रश्मि की, क्योंकि वो बार बार रश्मि लेटी हुई थी, रश्मि रेस्ट कर रही थी, तो बार बार उमर रियाज जा के पूछ रहे हैं, उनका मन ही नहीं लग रहा है कहीं पे, और वो एक एक मिनट में जा के पूछ रहे हैं, रश्मि तू ठीक है, तुझे कोई जरूरत हो ना तो मुझे बता दियो, मुझे बुला लियो। और रश्मि कह रही नहीं नहीं अब ठीक है, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है अभी। और जब वो बाहर आ गई, मतलब उमर रियाज फिर बाहर आ गए थे, और वो करण से बात करने लगे, और जब फिर थोड़ा देर के बाद रश्मि भी बाहर आके बैठी, तब जाके उमर रियाज को थोड़ी जान में जान आई है कि चलो ठीक है, अब रश्मि ठीक है। तो भैया एक बहुत ही प्यारा से बॉन्ड जो है इनके बीच में नजर आता है, उमर रियाज और रश्मि के बीच में। मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है, और आपको फिर भी वो फीलिंग्स नजर आती है, तो वो फीलिंग्स जो है साफ नजर आती है दोनों की आंखों में भी और दोनों के एक्शंस में भी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, और ये बताना मत भूलिएगा कि आप उमरश के कितने बड़े फैन हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ।